आज मैं उस प्लैनेट की बात करने जा रहा हूँ जो अर्थ से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसका नाम है मून। हम अक्सर रोज रात को मून देखते होंगे, पर यह किसी को नहीं मालूम कि हम लोग धरती से सिर्फ 59% ही मून देख सकते हैं। बाकी का हिस्सा आज भी मिस्ट्री है। हमारे सोलर सिस्टम में मून सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, ये हम सभी जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मून का हमारे ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है? मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे साइंस ने काफ़ी रिसर्च की और 1969 में पहला मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, जहाँ पहली बार इंसान ने अपने कदम मून के ऊपर रखे। पर 48 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक क्यों कोई दोबारा मैन स्पेसक्राफ्ट मून के ऊपर नहीं भेजा गया, ये एक मिस्ट्री है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। ऐसा ही कुछ मून पर भी हुआ था, जिसे नासा ने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया। पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने ये सीक्रेट्स दुनिया के सामने रख दिए, जिससे इस बात को बल मिला कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद फिर कभी यह मिशन दोबारा नहीं भेजा गया। एलन बीन, जो उस यूएस टीम के एक सदस्य थे जिन्होंने चांद को सबसे करीब से देखा था, और वो फोर्थ ऐसे एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने चांद पर कदम रखे थे, उन्होंने बताया कि 10 दिन का सफर तय करके वो और उनकी टीम मून पर लैंड कर गई थी। पर जो बातें उन्होंने दुनिया के सामने रखी वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा, हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। 1960 में नासा ने जो छिपाया था वो धीरे धीरे लीक होना शुरू हो गया था। आप अभी जिस वीडियो को देखेंगे जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम चांद पर स्टेयर्स की हेल्प से अपने पहले कदम चांद पर रख रही है, ये वीडियो बहुत कुछ बताती है। Armstrong is on the moon. Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. आप देखिए, ये वीडियो कंप्लीट साइलेंट है, जबकि इसकी रिकॉर्डिंग को नासा ने म्यूट कर दिया था। एक्चुअल में इसमें नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बता रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पहले से ही किसी दूसरे ग्रह का स्पेसशिप लैंड हुआ है, वो हमें देख रहे हैं। नासा ने इस ट्रांसमिशन को सीक्रेट रखा। वापसी पर हर एस्ट्रोनॉट ने अपने लॉग बुक में इसकी सच्चाई बयान की थी। नासा ने अपने सैटेलाइट्स पिक्चर को भी ब्लर या हाईली स्मूथ कर दिया था, जबकि जैपनीज सैटेलाइट ने दिखाया कि मून पर एलियंस ने ऑलरेडी अपने कई बेस बनाए हुए हैं। एल्ड्रिन, जो आज 88 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा कि हमने जो देखा वो सभी नासा को बता चुके थे, पर इस सीक्रेट को ध्यान में रखकर ये बात कभी भी यूएस मीडिया में नहीं आई। उन्होंने कहा, हमारे ब्रह्मांड में बहुत से अनगिनत एलियंस हैं जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर हैं, जहाँ पहुँचना अभी हमारी साइंस के लिए पॉसिबल भी नहीं है। अब कुछ बातें मैं आपको मून के फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत स्ट्रेंज हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फुल मून और सुपर मून में फ़र्क क्या होता है। फुल मून का अर्थ होता है पूर्णिमा का चांद,
जबकि सुपर मून का अर्थ होता है साल में एक बार मून हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक पहुंचता है, उस दिन पूर्णिमा भी होती है, उसे सुपर मून कहा जाता है। एशियंट साइंस के अकॉर्डिंगली फुल मून को अच्छा भी माना जाता है और बुरा भी, क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। स्लीप वॉकिंग, सुसाइड टेंडेंसी, डिप्रेशन, इलीगल एक्टिविटीज़, ये सभी ह्यूमन बिहेवियर्स बैड मून के साथ रिलेटेड हैं। इसकी एक एग्जाम्पल ये भी है कि यूनाइटेड किंगडम में लंदन बेथलम हॉस्पिटल में चंद्र ग्रहण के दिन मरीजों का खास ख्याल रखा जाता है। एक और फैक्ट इस मून के साथ जुड़ा हुआ है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी माना। हम सभी जानते हैं कि लूनर इक्लिप्स 28 डेज का होता है और यही एक मेजर कारण है कि मून के लूनर इक्लिप्स से ही ज़्यादातर लेडीज़ के मेंसेस साइकिल रन होते हैं, क्योंकि उनका साइकिल फ्रेम भी 28 डेज का ही होता है। इस पर आज भी इंटेंसिव रिसर्च जारी है। हमारे अर्थ की रोटेशन सिर्फ ये मून ही डिसाइड करता है। आज जिस स्पीड पर हमारा ग्रह रोटेट कर रहा है उसके पीछे ये मून की ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अगर ये ना हो तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि अर्थ की रोटेशन स्पीड क्या होगी और हमारे दिन और रात जो मिलकर 24 घंटे बनाते हैं, जो सिर्फ 24 घंटे ना होकर सिर्फ कुछ मिनट्स के ही रह जाएंगे। आप अगर आज मून पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो बता दूं कि अगर एक कार मून पर जाए तो उसे 130 दिन लगेंगे सफ़र पूरा करने में, और अगर एक रॉकेट जाए तो उसे सिर्फ 13 घंटे लगेंगे, और अगर कोई स्पेस क्राफ्ट लाइट की स्पीड से जाए तो उसे महज 1.5 सेकंड ही लगेगा मून पर पहुंचने में। मून पर कोई भी कंपास काम नहीं करती क्योंकि उसका ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता है। 2009 में नासा ने मून पर पानी की खोज कर ली और इससे पॉसिबिलिटी मिली कि वहाँ पर जीवन जरूर है, बस उसे खोजना बाकी है। एस्ट्रोलॉजी में मून की खास जगह है। इंसान के इमोशंस, उसका सबकॉन्शियस, ये सब मून के साथ जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर मेंटल इश्यूज भी इसी के कारण स्टार्ट होते हैं, और अक्सर फुल मून वाले दिन आइसाइलम्स, जिसे पागलखाना बोला जाता है, वहाँ ज़्यादातर मेंटल पेशेंट्स को ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी किसी वक्त इतनी एडवांस थी कि प्लैनेट्स की पोजीशन और इंसान के जन्म को कैलकुलेट करके होने वाले फ्यूचर इंसिडेंट्स का पता लगा लेती थी। उस वक्त एक एस्ट्रोलॉजर्स दिन में मैक्सिमम सिर्फ 3 से 4 लोगों का ही फ्यूचर कैलकुलेट करते थे, जिसके बेसिस पर उनका फ्यूचर बताया जाता था। आज इसे प्रोफेशन में बना दिया गया है और ना वो मेथड्स आज एग्जिस्ट करते हैं जिनके बेसिस पर पहले फ्यूचर के बारे में पता लगाया जाता था। वाटर इसका एलिमेंट माना गया है और आज भी फुल मून वाले दिन समंदर में लहरें ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स।